फ्रेंड्स वेलकम टू ब्यूटी कस्केयर। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम से अपना स्किन केयर रूटीन लॉरियल पेरिस के हाइलुरोनिक एसिड के जो 3 प्रोडक्ट्स हैं उनसे कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। तो इन 3 प्रोडक्ट्स का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको स्किन केयर करके दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं इन प्रोडक्ट के यूज़ करके स्किन केयर करती हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को फटाफट से शुरू करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपने फेस पे किया हुआ है मेकअप। तो अगर आप इस मेकअप को देख के सोच रहे हैं कि किस तरह से मैंने ये मेकअप किया है, तो उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो का लिंक, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो मेकअप रिमूव करने से पहले मैं अपने बालों को अच्छे से सिक्योर कर लूँगी। तो मैंने अपने बालों को हेयर बैंड से सिक्योर कर लिया है। तो इसके बाद जो है मैं अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए यहाँ पे एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का। तो इसे मैं कॉटन पैड पे 3 से 4 बूंदे ले लूँगी और 2 कॉटन पैड को आपस में रब करके मैं पहले अपने आईज़ का मेकअप अपना रिमूव करूँगी और फिर उसके बाद अपना जो मैंने बेस मेकअप है उसे रिमूव करूँगी। तो फ्रेंड्स कोई भी स्किन केयर करने से पहले अपने मेकअप को आप बिल्कुल अच्छी तरह से रिमूव कर लें, चाहे आप किसी भी मेकअप रिमूवर से अपने मेकअप को रिमूव करें। तो इसके बाद लॉरियल पेरिस के हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेटिंग जेल क्लींजर से अपने फेस को वॉश करूंगी। तो पहले मैं अपने फेस को पानी से वेट कर लूंगी, फिर उसके बाद जेल की थोड़ी सी क्वांटिटी लेके पूरे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी और फिर अपने फेस पर जेंटली मैं 1 मिनट तक इससे मसाज करूंगी और फिर अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूंगी। तो फ्रेंड्स ये जो हाइड्रेटिंग जेल क्लींजर है आपकी स्किन को जेंटली क्लीन करता है, हाइड्रेट करता है, जिससे कि आपकी स्किन प्लम्पी दिखाई देती है। इसका अल्ट्रा फाइन फॉर्म जो है वो आपके पोर्स को डीपली पेनिट्रेट करता है, पोर्स में जो है वो डीपली पेनिट्रेट करता है और स्किन को जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे कि आपने मेकअप अभी अपने फेस पे लगाया था उसके बाद अपने फेस को आप क्लीन कर रहे हैं, तो जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से रिमूव करता है। और इसकी जो जेल टेक्नोलॉजी है वो आपकी स्किन को जो है बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देती, आपकी स्किन को बिल्कुल स्मूथ बना के रखती है, जिससे कि आपकी स्किन जो है बिल्कुल फ्रेश, हाइड्रेट और यूथफुल दिखाई देती है। तो मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, तो यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन तो मुझे बिल्कुल सॉफ्ट महसूस हो रही है इस टाइम और बिल्कुल हाइड्रेट लग रही है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं लग रही है। तो इसके बाद जो अपने फेस पे अप्लाई करूँगी मैं सीरम, तो लॉरियल पेरिस का हाइलुरोनिक एसिड सीरम मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसकी 3 से 4 बूंदें अपने फेस पे अप्लाई करूँगी और नेक पे भी अप्लाई करूँगी मैं, और इसे भी मैं 1 मिनट तक अपने फेस पे अच्छे से मसाज करूँगी ताकि ये मेरी स्किन में बिल्कुल अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए। ये सीरम भी आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है बहुत अच्छे से और डीपली आपने आपकी स्किन पे पेनिट्रेट होता है और आपके पोर्स को जो ओपन पोर्स हैं उन्हें भी अच्छे से मिनिमाइज़ करता है। इस सीरम को आप मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को प्रेप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपकी स्किन को प्रेप करता है, हाइड्रेट करता है, जिससे आपका मेकअप जो है बहुत अच्छे से आपके स्किन पे बेस आपका तैयार होता है। तो अभी स्क्रीन पे आप मेरी स्किन देख सकते हैं कितनी ग्लोइंग दिखाई दे रही है और हाइड्रेट और कितनी फ्रेश दिखाई दे रही है। तो इसके बाद मैं अपने स्किन पे अप्लाई करूँगी हाइलुरोनिक एसिड की प्लम्पिंग ड्रे क्रीम। तो आप इस जार को देख सकते हैं कि इसमें कितना प्रोडक्ट रहा है, मैंने इसे काफ़ी यूज़ कर लिया है। तो इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी और नेक पे भी अप्लाई कर लूँगी और जेंटली जो है अपने फेस पे 1 मिनट तक मसाज करूँगी। और इसे करते करते मैं कुछ अपने मसाज स्टेप्स भी करूँगी जो कि मैं रेगुलरली करती हूँ। आपको पता ही है मैं काफ़ी वीडियोस में क्रीम जो है मॉइस्चराइज़र कोई भी लगाऊँ अपने फेस पे तो उसे अच्छे से मसाज करते हुए अपने फेस पे लगाती हूँ। इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आप अपने फेस पे लगाते हैं वो अच्छे से आपकी स्किन पे एब्जॉर्व होता है और आपको उसके अच्छे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मसाज से हमारी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छा हो जाता है और हमारे फेस पे ग्लो दिखाई देता है। तो इस स्किन केयर रूटीन को मैं 2 टाइम करती हूँ, दिन में मॉर्निंग में और इवनिंग में।
तो लास्ट में मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई किया है लिप बाम। तो फ्रेंड्स, अपनी स्किन के साथ साथ अपने लिप्स को भी हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने लिप्स पे लिप बाम ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पे मैंने शुगर का लिप बाम यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, इन प्रोडक्ट से स्किन केयर करने से मेरे स्किन को तो काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। मेरी स्किन की जो डलनेस थी वो दूर हो गई है, फाइन लाइंस दिखने शुरू हो गई थी वो भी कम हो गई हैं, मेरी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आना शुरू हो गया है, मेरी स्किन अब हाइड्रेट रहती है, बिल्कुल फ्रेश दिखती है और बिल्कुल स्मूथ मुझे महसूस होती है अपनी स्किन। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा स्किन केयर रूटीन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। तो मिलती हूँ आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।